आलिम की पहचान क्या है? जिसके इल्म के सिलसिले में उसके मशाइख और उसके असातिज़ा की गवाही और शहादत मौजूद हो। उलमा की गवाही से कोई आलिम होगा, अवाम की भीड़ से कोई आलिम नहीं माना जाएगा। इसके इतने व्यूवर हैं, 1 करोड़ लोगों ने देखा है, 1 करोड़ लोग देख लें, 1 अरब लोग देख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। ये इल्म की शहादत नहीं है। इल्म की शहादत अहले इल्म देंगे। इल्म की गवाही, इल्म का एतबार अहले इल्म के बयान करने से होगा। इसलिए याद रखें कि उलमा की पहचान एक सबसे बड़ी ये है कि उनके आलिम होने की शहादत और गवाही उनके असातिज़ा और मशाइख देंगे, उलमा देंगे कि हाँ अब ये हमारा शागिर्द, हमारा ये तालिबे इल्म अल्हम्दुलिल्लाह अब पढ़ते लिखते सीखते, पढ़ते लिखते सीखते अल्हम्दुलिल्लाह इतना ममारसा इसे हो चुका है कि अब ये दर्स देने के काबिल हो चुका है, ये हदीस बयान करने के काबिल हो चुका है, ये इस तरह के अवामी मसाइल के जवाब देने के काबिल हो चुका है। ये गवाही उम्मत के मशाइख और किबार उलमा की तरफ से मिलेगी, तब जाकर के उसे इस बात की अहलियत हासिल होगी कि अब वो इल्म आलिम माना जाए और वो इस काबिल हो जाए कि वो अपनी ज़बान से अपने कलम से इल्म को फैलाने लगे। इस बात को समझ लें अच्छी तरह से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। इस सिलसिले में मैं आपके सामने ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन याद रखें उम्मत और के उलमा की किबार और मशाइख की शहादत के बगैर दर्स देना, फतवा देना, तहदीस करना, जवाबात देना, स्टेज सजाना, मसनद दर्स पर बैठना और अपने आप को मुहक्किक बना लेना, मौकिफ साबित करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। याद रखें इस सिलसिले में इमाम मालिक इब्न अनस मेरे भाइयों, इमाम दारिल हिजरा मदीनतुर रसूल और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठ करके बरसों तक दरस हदीस देने वाले इमाम, चोटी के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तदरीस करने वाले, वो बयान करते हैं। सुनिए गौर से, इमाम मालिक का मकाम हमारे सामने है। हम जानते हैं इमाम मालिक कौन है और किस जबल का नाम है, ये किस पहाड़ का नाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सुनिए गौर से, कहते हैं किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने आप को किसी चीज़ का अहल बनाए। किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है, अरबी पढ़ूँ, ला यंबगी लिरजुलिन यरा नफ्सहु अहलन लिशैइन, किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने आप को किसी चीज़ के लायक समझे, हत्ता यसअला मन काना अअलम मिन्हु, यहाँ तक कि वो पूछे, सवाल करे उससे जो उससे ज़्यादा इल्म वाला हो, उससे पूछे, अपने बड़े उलमा से पूछ ले कि क्या मैं अब आपकी शागिर्दी, आप मेरी शागिर्दी आपके सामने है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुछ तदरीस करूं, दर्स दूं, खुतबा दूं, बयान करूं, तदरीस तहदीस कुछ करने के काबिल मैं हूं कि नहीं हूं, मैं इसका मेरे मैं इस मुझे इसका हक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहले अपने बड़े उलमा से पूछ लें। सुभान अल्लाह, उलमा बड़े उलमा से पूछें तो गैर उलमा जो आलिम है ही नहीं, उनके पूछने से भी कुछ नहीं होने वाला मेरे भाइयों। और अगर कोई शहादत दे देता है कि इस लायक हो चुके हैं तो ये खयानत से कम नहीं है, याद रखें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद अपने बारे में फरमाते, अपने बारे में फरमाते मा अफ्तैतु हत्ता सअल्तु रबीअता व यहया इब्न सईद फअमरानी बिज़ालिक, कहते हैं मैं उस वक्त तक फतवा देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, उस वक्त तक मैंने फतवा नहीं दिया यहाँ तक कि मैंने अपने बड़े उलमा, अपने मशाइख से, रबीअ रहमतुल्लाह अलैह से, यहया इब्न सईद रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लिया कि क्या मैं अब मसाइल का जवाब दे सकता हूँ, फतवा दे सकता हूँ। फअमरानी बिज़ालिक, तो इन दोनों पहाड़ जैसे इमामों ने मुझे हुक्म दिया कि हाँ अगर तुम फतवा देना चाहो तो आप दे सकते हो, तुम्हारी इतनी अहलियत हो चुकी है। वलौ नहयानी लंतहैतु, और अगर इन दोनों ने मुझे मना कर दिया होता कि मालिक अभी तुम इस काबिल नहीं हो, तो लंतहैतु, तो मैं उससे बाज रहता, मैं फतवा देने के लिए जबान नहीं खोलता। सुभान अल्लाह, देखा आपने, ये है उलमा की पहचान। उलमा उस वक्त, अहलियत वाले उलमा उस वक्त होते हैं जब उनके बड़े उलमा उनके बारे में गवाही दें। तो उलमा की पहचान उलमा की गवाही से होगी, अवाम की भीड़ से कुछ नहीं होने वाले मेरे भाइयों। ये सोशल मीडिया का अखाड़ा, क्या इसकी बुनियाद पर किसी के इल्मियत और किसी की आलमियत और किसी की मुफ्तियत या किसी की तहकीक का कोई मेयार कायम किया जा सकता है? ये तो अखाड़ा है, अखाड़ा है मेरे भाइयों, इसका कोई एतबार नहीं है। एतबार किसी के भी आलिम होने के सिलसिले में उससे बड़े उलमा की शहादत का एतबार है, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। दूसरी जगह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं हर आदमी जो मस्जिद में बैठ करके, मस्जिद में बैठ करके तहदीस करना चाह, यानी हदीस बयान करना चाहता हो, हदीस सुनाना चाहता हो, फतवे देना चाहता हो, जो भी आदमी चाहता हो, जिसे पसंद आए, जिसे अच्छा लगे कि वो हदीस बयान करने के लिए मजलिस में, मस्जिद में मसनद लगा ले या फतवा देने की का मसनद लगा ले। आज के दौर में आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी आदमी को हक नहीं पहुँचता है कि वो कहीं स्टेज लगा ले, बैनर लगा ले, कैमरा लगा ले, मीडिया पर बैठ जाए, किसी को हक नहीं पहुँचता है। हत्ता,
यहां तक कि यतशावर فيه اهل الصلاح والفضل, यहां तक कि उस सिलसिले में अहले सलाह से, अहले फजल सुभान अल्लाह, सलाह वालों से और फजल मनकबत वालों के सामने, व अहलुल जिहा मिन अल मस्जिद, मेरे भाइयों और मस्जिद के जिम्मेदारों से, यह भी जरूरी है मेरे भाइयों। खैर आजकल तो लोगों ने अपना अपना अलग स्टेज बना रखा है, मस्जिद की जरूरत कहां बाकी बची है, लोग मस्जिदें भी अपनी बनाते हैं ताकि किसी से पूछने की जरूरत ना हो, कोई उसके अंदर इंटरफेयर की नौबत भी ना आए, आदमी बाख्तियार होकर के जो जैसे चाहे करे। कहते हैं मशवरा ले ले अहले सलाह और अहले फजल से, यानी अहले इल्म से और नेक लोगों से जो नेकी और सलाह के अंदर ऊंचा मकाम रखते हो, उनसे मशवरा कर ले। फइन राउहु अहलन लिज़ालिका, अगर वो उसे उसका अहल समझें, अगर वो उसके लिए उसे उसका अहल समझें कि हाँ ये फतवा तहदीस के लायक है, दर्स देने, खुतबा देने, प्रोग्राम करने, खिताबात करने के काबिल है, जलस तो बैठे। वमा जलस तो, उसके बाद अपने बारे में कहते हैं, अपने बारे में कहते वमा जलस्तू, और मैं खुद तदरीस के लिए, तहदीस के लिए, फतवे के लिए, मसाइल के लिए मैं नहीं बैठा। हत्ता शहीद अली, सुनो गौर से, हत्ता शहीद अली सबून शैखन मिन अहले इल्म अन्नी मौज़िउन लिज़ालिका। अल्लाहु अकबर, ये है उलमा की पहचान आज दीन का, दीन के इल्म का इस तरह से मेरे भाइयों इस्तेहसाल किया जा रहा है, हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा जहां से भी जिसको समझ में आता है, जहां जिस मैदान का है, जिस लाइन का है, आया जुब्बा कुब्बा बना लिया, हुलिया उलिया बना लिया और टोपी रुमाल जुब्बा गुतरा लगा लिया, और उसके बाद एक सेटअप कर लिया कैमरे का और वेबसाइटें बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, और मुहद्दिस और फकीह और मसाइल का जवाब देने वाला मुफ्ती बन करके बैठ गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हो सकता है बातें आपको तल्ख लग रही हों, लेकिन ये उसूली बातें हैं जो शरह के ज़िम्न में आपके सामने कही जा रही हैं। देखिए, कहते हैं इमाम मालिक जैसा इमाम कहता है, मैं उस वक्त तक नहीं बैठा दर्स देने के लिए, फतवा देने के लिए, बयान करने के लिए, तहदीस करने के लिए, जब तक कि 70 अहले इल्म ने मेरे बारे में गवाही नहीं दे दिया, शहादत नहीं दे दिया कि मैं इसका अहल हो चुका हूं। सुभान अल्लाह, इमाम मालिक जैसा इमाम 70 उलमा की गवाही का इंतजार करें ताकि वो गवाही दे कि हाँ मैं इस लायक हो चुका हूं, तब मैं दर्स देने के लिए बैठूंगा। मेरे भाइयों, आजकल के जो ये लोग हैं, यानी जो उलमा नहीं है, मुख्तलिफ मैदान के लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई मेरे भाइयों मुख्तलिफ मैदानों के लोग हैं, कोई मुख्तलिफ इधर उधर के शरई गैर शरई उलूम, असरी उलूम कह सकते हैं, दुनियावी उलूम कह सकते हैं, बहरहाल उन्होंने वो इल्म हासिल किया है और उसके बाद वो आए और उनका जज्बा हुआ और बस उन्होंने, उनको कुछ ना समझ में आया, उन्होंने स्टेज सजा लिया, माइक लगा लिया और उसके बाद सारा सेटअप कर लिया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और उसके बाद सब कुछ करना शुरू कर दिया। इमाम मालिक जैसा चोटी का इमाम 70 अहले इल्म की गवाही का इंतजार करता है, जब तक ये गवाही नहीं दे देंगे कि मैं इस लायक हो चुका हूं, तब तक मालिक के लिए हलाल नहीं है कि दर्स देने के लिए मसनत सजा ले, तहदीस करने के लिए बैठ जाए, फतवा देने के लिए बैठ जाए, हलाल और हराम का फैसला करने के लिए बैठ जाए। भला कैसे रवा हो सकता है आज मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि कोई इस तरह की हरकत करे और इसकी जुरत करे, जसारत करे। हर एक को देखा जाता है कि वो सबसे आगे चल रहा है, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और उसका फैसला कहाँ से होता है, उसका फैसला मीडिया करता है, उसके व्यूवर बहुत ज़्यादा हैं, उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, उसके चैनल को इतने लोगों ने देखा, और लोग आज इश्तिहार निकाल करके दुनिया में फैलाते हैं, ये देखो 3 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हो गए, इतने करोड़ लोग मुझे देखने वाले हो गए, और आपसे गुजारिश है कि और ज़्यादा तादाद बढ़ाइए और बढ़ाइए। मेरे भाइयों, मैं नहीं ज़्यादा बात करना चाहता कि इसमें उनके मादी फवाइद क्या हैं, आजकल के वसाइल के जरिए से मादी भी इनकम होती है बहुत ज़्यादा, जैसा कि बहुत मोतबर लोगों ने हमें इस सिलसिले में आगाह किया है कि इसमें कमाई भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हर आदमी सब्सक्राइब करने की भीख मांगता है, हर आदमी व्यू करने की, देखने की भीख मांगता है, यहाँ वहाँ शेयर करने, नशर करने की भीख मांगता है, यहाँ फॉलो कर लो वहाँ, ये सब मादियत की बुनियाद पर भी इसे किया जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा ख़तरनाक मसला है।